भारत और जिम्बाब्वे के बीच खेली गई 5 मैचों की टी20 सीरीज को भारत की युवा टीम ने 4-1 से अपने नाम कर लिया। सीरीज का आखिरी मैच को टीम इंडिया ने 42 रनों से अपने नाम करते हुए जीत हासिल की। पहला मैच हारने के बाद टीम इंडिया ने गिल की कप्तानी में लगातार 4 मुकाबले जीते और शानदार वापसी की। भारत और जिम्बाब्वे के बीच खेले गए आखिरी मैच में ऑलराउंड प्रदर्शन के लिए शिवम दुबे को मैन ऑफ द मैच चुना गया। बल्लेबाजी में दुबे ने 12 गेंदों में 26 रन बनाए, वहीं गेंदबाजी में 4 ओवर में 25 रन देकर 2 विकेट हासिल किए। दूसरी ओर वॉशिंगटन सुंदर को प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया। टीम इंडिया के युवा बल्लेबाज ऋतुराज गायकवाड़ को जिम्बाब्वे के खिलाफ आखिरी मैच में टीम इंडिया में जगह नहीं मिली। आपको बता दें कि ऋतुराज गायकवाड़ ने शुरुआती 4 मैचों में नंबर 4 पर शानदार बल्लेबाजी करते हुए 133 रन बनाए थे। आखिरी मैच में ऋतुराज गायकवाड़ को टीम इंडिया में जगह न मिलने पर फैंस ने गिल पर काफी नाराजगी व्यक्त की। जिम्बाब्वे के खिलाफ सीरीज में शुभमन गिल ने 2 अर्धशतक लगाए। उन्होंने टीम इंडिया की जीत में अहम भूमिका अदा की। उन्होंने 31, 2, 66, 58 और 13 रनों की पारियां खेली और सीरीज में कुल 170 रन बनाए। एक टी20 सीरीज में भारतीय कप्तान के तौर पे सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में वो 3रे नंबर पे पहुंच गए। उन्होंने रोहित शर्मा को पीछे कर दिया है। बुनसागे सिर्फ विराट कोहली हैं। टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा ने अमेरिका में एक बड़ा बयान दिया है और साथ ही उन्होंने अपने भविष्य के प्लान के बारे में भी बड़ा खुलासा कर दिया है। एक सवाल का जवाब देते हुए रोहित शर्मा ने कहा कि अभी मैं टीम इंडिया के लिए कुछ और समय तक खेलता हुआ दिखाई दूंगा। आपको बता दें कि टी20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद रोहित शर्मा और विराट कोहली ने संन्यास का ऐलान कर दिया था। भारतीय टीम के पूर्व खिलाड़ी और हेड कोच रहे अंशुमन गायकवाड़ ब्लड कैंसर की बीमारी से पिछले काफी लंबे समय से जूझ रहे हैं। ऐसे में बीसीसीआई उनकी मदद के लिए आगे आया है, जिसमें सेक्रेटरी जय शाह ने 1 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता तत्काल प्रभाव से देने का आदेश दिया है। इसी के साथ जय शाह ने अंशुमन गायकवाड़ के परिवार से भी बात की है। जिम्बाब्वे के खिलाफ 4 छक्के लगाते ही संजू सैमसन ने टी20 क्रिकेट में अपने 300 छक्के पूरे कर लिए हैं। वह टी20 क्रिकेट में 300 प्लस छक्के जड़ने वाले कुल 7वें भारतीय खिलाड़ी बने हैं। भारत के लिए टी20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के रोहित शर्मा ने लगाए हैं। उन्होंने कुल 548 छक्के जड़े हैं। इस लिस्ट में विराट कोहली 2रे नंबर पर है, उनके नाम 416 छक्के हैं। दिल्ली कैपिटल्स ने रिकी पोंटिंग को कोच के पद से हटा दिया है। आपको बता दें कि पोंटिंग के कार्यकाल में दिल्ली की टीम एक भी बार टाइटल पर कब्जा नहीं जमा पाई थी और अब फ्रेंचाइजी ने उन्हें पद से हटाने का फैसला ले लिया था। और अब खबर आ रही है कि पोंटिंग की जगह सौरव गांगुली को टीम का हेड कोच बनाया जा सकता है। इससे पहले सौरव गांगुली टीम के मेंटोर थे।